Hello student, good morning all of you. आइए आज हम कक्षा 12 की गणित की पहली क्लास पढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट अच्छे से क्लास पढ़ेंगे। कक्षा 12 में विषय गणित पाठ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन आज हम करेंगे। इसके कुछ मुख्य फॉर्मूले यह मान है जो इस प्रकार है। यह फंक्शन है हमारा फलन, यह डोमेन है और यह परिसर या मुख्य मान है। तो जो हमारा फंक्शन होता है y बराबर sin इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा वो माइनस वन और वन होगा। इसका मतलब है कि माइनस वन इक्वल x का मान 1, मतलब उसमें माइनस 1 और 1 भी शामिल होगा। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें माइनस 1 और 1 शामिल होगा और इसका जो परिसर है मुख्य मान है वो माइनस का पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होगा। जैसा कि इसमें बड़ा ब्रैकेट है तो बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत ये माइनस के पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 का होगा निश्चित मान इसका। और अगला फंक्शन है y बराबर cos इनवर्स x, इसका भी यही सेम डोमेन है माइनस के वन से वन तक और इसका जो मुख्य मान या परिसर होगा वो जीरो से पाई बाई पाई होगा। y इक्वल tan इनवर्स x, इसका इंटरवल माइनस के अनंत से अनंत तक होगा और इसका जो हमारा परिसर है माइनस के पाई बाई 2 पाई टू। इसका मतलब है इसमें देखो बड़े ब्रैकेट है इसमें छोटे ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस के पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू जो होगी वो इसके अंतर्गत आएगी छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत। और बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी दोनों मान शामिल होते हैं लेकिन इसमें दोनों मान ही शामिल नहीं होंगे, इसके बीच की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब आइए अगला फंक्शन है हमारा वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स। देखिए इसमें भी माइनस के अनंत से अनंत तक है लेकिन इसमें देखा गया है कि दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि माइनस के अनंत और अनंत के बीच जो वैल्यू होगी वो इसके अंतर्गत आएगी। अब इधर देखो इसका जो मुख्य मान है कोट इनवर्स एक्स का जीरो पाई है तो इसमें बस ये ध्यान रखना कहाँ छोटा ब्रैकेट लगाना है और कहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना है। छोटे ब्रैकेट बस ये ध्यान रखेंगे जब हम कोई सवाल करेंगे तो उसमें यह देखना है कि जो वैल्यू निकल कर आएगी जिसे कोई सवाल हम करेंगे उसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए, इसके बीचों बीच आनी चाहिए। जीरो की और पाई के बीच की वैल्यू आती है तो हमारा आंसर सही होगा वरना गलत होगा। ऐसे इसमें पाई बराबर सेक्स प्लस एक्स आर इंटरवल माइनस के माइनस वन और वन, मतलब कोई फंक्शन होगा जब हम उसमें से घटाएंगे माइनस करेंगे तो फिर इसके बीच जो वैल्यू होगी वो इसके बीच आनी चाहिए। जो फंक्शन सवाल करेंगे उसमें से घटाने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो इसके बीचों बीच आनी चाहिए माइनस वन के और वन के बीच वैल्यू आएगी हमारी। ऐसे इसका मुख्य मान परिसर होगा जीरो से पाई और माइनस पाई वैल्यू उसमें से घटा देंगे। अगला फंक्शन है हमारा वाई बराबर कोस एक्स प्लस एक्स, ये भी सेम यही है और इधर देखो माइनस पाई वैल्यू से पाई वैल्यू ये दोनों शामिल होंगे, ये भी शामिल होगा इसमें और जीरो घटा देंगे इसमें से। इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित सूत्र जैसे ये हाई स्कूल या गार्डन में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। इसमें इसलिए हमने लिखा कभी कभी साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना होता है तो ये जो कोस इनवर्स एक्स है हम इसे उधर ले जाते हैं उठाकर तो ये माइनस में पहुंचता है तो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आती है साइन इनवर्स एक्स हो जाती है। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। अब देखो यहाँ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स वाई होता है और पाई बाई टू कोस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स वाई।
देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल tan इनवर्स 1/5 बराबर a दिया है, तो कोट a का मान पूछा है। तो देखते हैं, हम लिखते हैं tan इनवर्स 1/5 बराबर a। कि tan इनवर्स जो है इधर tan बन जाएगा, देखो 1/5 बराबर tan a, या तथा लिख सकते हैं हम tan a बराबर 1/5, और tan का उल्टा करते हैं क्या हो जाता है cot a, तो इसका उल्टा करेंगे tan a का हो जाएगा cot a। जब हमने इधर उल्टा करा तो इधर भी उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा 5, ये cot a की वैल्यू आ गई हमारी 5। इसके पश्चात सवाल नंबर 2, देखिए tan इनवर्स x बराबर 1, तो sec की वैल्यू पूछी है, क्या करना है tan इनवर्स x बराबर a, ये tan इनवर्स इधर a बन जाएगा tan a, तो x बराबर tan a, और tan a बराबर x, एक हमारा सूत्र है sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो हमारे पास tan a की वैल्यू x है, तो यहां पर रख देंगे, देखो sec स्क्वायर a माइनस इसका स्क्वायर हो रहा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब ये है हमारा माइनस के x स्क्वायर है, तो इधर बराबर से बदल कर लेंगे, प्लस का हो जाएगा sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। अब मान पूछा था sec a का, लेकिन हमारे पास तो sec स्क्वायर a है, लेकिन स्क्वायर जो है इधर जाकर अंडर रूट चढ़ जाएगा, sec a बराबर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल चौथा नंबर, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर π/2, तो सिद्ध करो sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y। देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर π/2। देखो ये sin इनवर्स x को ले लेंगे, sin इनवर्स x बराबर π/2, ये sin इनवर्स जो y है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा sin इनवर्स y, sin इनवर्स x, आई मैंने फॉर्मूला लिखवाया था sin इनवर्स π/2 माइनस के sin इनवर्स y का फॉर्मूला था, तो cos इनवर्स y था, ठीक है, यही मैं सिद्ध कर रहा था। देखिए अगला नंबर, cot छोटा ब्रैकेट tan इनवर्स √3 छोटा ब्रैकेट बंद मान ज्ञात करो, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ऐसे लिख लें बार cot tan इनवर्स √3। देखिए दो प्रकार से इस बात कर सकते हैं, लेकिन देखो ये cot है और यहाँ tan इनवर्स है, तो हमें किसी प्रकार यहाँ cot इनवर्स बनाना है, अगर ये cot इनवर्स बन जाएगा तो cot इनवर्स से cot ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो देखो cot ये अगर हम इसे cot इनवर्स बनाएंगे cot इनवर्स, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स का हमने cot इनवर्स बना दिया, तो ये 1/2 हो जाएगा 1/√3। अब ये cot इनवर्स है, ये cot है, तो इस cot इनवर्स से ये वाला cot गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये जो बचेगा हमारा 1/√3, ये इसका मान होगा।